हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक व्लॉग में। सो यार, काफी टाइम बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज के व्लॉग में यार आप लोगों को बहुत बढ़िया सी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे 5 दिवसीय मेला का आयोजन रखा गया है। चलो नीचे चलेंगे, कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, बता। पीना तो नहीं है। खाएगी? हाँ। क्या खाएगी? पीऊंगी नहीं, आप पीते होंगे। देवड़ी? सेम सेम पी, मतलब पीती है? नहीं। हाँ, सेम पी बोली तो। यहाँ पे सारे पूजा पाठ, मतलब मस्जिद में जो भी चीजें लगती हैं उन सारे चीजों का यहाँ पे आपको संपूर्ण सामग्री मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे भरपूर अपना शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे एक अलग अलग तरह के से, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और शाम को बहुत इम्पोर्टेंट है ना, शाम को बहुत बढ़िया चीजें यहाँ होती है, संदल्स वगैरह निकलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कव्वाली वगैरह, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जो कि सारे काम शाम के समय होते हैं। तो अभी दिन का समय था तो यहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं, और देख ही सकते हो बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं शाम को, चलने के लिए जगह नहीं बचती यहाँ पे। अब यहाँ से एग्जिट है और मैंने इंटर थोड़े साइड वाले से किया था और ये एग्जिट गेट है, इसका जस्ट सामने है वहाँ पे आपको नेशनल हाईवे 44 देखने मिलेगा। किधर चलेंगे? यहाँ एग्जिट तरफ से चलते हैं ना, इधर से चलते हैं, फिर एक राउंड उधर से मारते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग, बाय बाय। अगर मेला आना है तो होली के जस्ट दूसरे दिन से, मतलब धुरेड़ी के दूसरे दिन से यहाँ मेला लगना प्रारंभ होता है और यहाँ पे पहले 5 दिन का लगता था, अब लगभग 2 दिन और बढ़ा दिए हैं, तो ऐसा 1 हफ्ते का यहाँ पे मेला लगता है। काफी बड़ा मेला है, प्रतिदिन आपको बढ़िया बढ़िया से यहाँ कार्यक्रम देखने मिलते हैं, तो ये बहुत सही है। और रात के समय तो कुछ ज्यादा ही गजब मजा आता है, तो आप लोग आइएगा जरूर और इंजॉय कीजिएगा। और दिन में कभी मत आना क्योंकि दिन में बिल्कुल सुनसान सा लगता है, इक्का दुक्का लोग दिखते हैं आपको, मजा नहीं आता। तो अगर आपको ये मावर फाटा मेले का अगर आनंद लेना है तो आप
नाइट के समय समथिंग 5 बजे से आ जाइएगा और लगातार यहाँ के मजे लीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने मिलेंगी और मस्त मजा आएगा। फैमिली के साथ आना है तो फैमिली के साथ आ सकते हो, रुकने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप अगर अड़ोस पड़ोस में कुछ अगर सुविधा होगी, पास वाले गांव मोहल्ले रिश्तेदार होगी तो वहां रुक सकते हो, या तो फिर अपनी स्वयं की व्यवस्था, आए इंजॉय किए और निकल गए, ऐसी सुविधा के साथ आ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। इंतजार करेगा जाएगी, बताओ क्यों शीतल, झूला झूलना है क्या? हाँ तो ये यहाँ पे सबसे पहले नहाते हैं, यहाँ पे नहाना है और उसके बाद नहाने के बाद ये ट्रेन में बैठ के वो झूले तक पहुँचना है और ये झूले का बढ़िया से आनंद लेना है, ठीक है? ये 10-10 रुपए वाले हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। बस कर हो गया, ये पूरे बांस के हैं ना, पूरे बांस के हैं। ये जो अपन पहने ये वाला सही है या फिर दूसरा वाला? कौन सा वाला? ऐसे भी हीरो लग रहा है ना तू, दिखाना जरा पहन के देखता। कैसा लगता है? मैं भी तो देखूं जरा। बिल्लान